हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज क्षितिज रिव्यूज बुक्स। और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ एक किताब जिसका नाम है ब्लैक वॉरेंट, जिसको लिखा है सुनेत्रा चौधरी ने विद द हेल्प ऑफ सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता बेसिकली एक तिहाड़ जेल के जेलर थे जिन्होंने ये किताब लिखने में हेल्प की है सुनेत्रा चौधरी की। बेसिकली सुनेत्रा चौधरी को इनवाइट किया था सुनील गुप्ता ने कि उनकी लाइफ के ऊपर वो एक किताब लिखना चाहते हैं। सुनेत्रा चौधरी ऑलरेडी एक किताब लिख चुकी हैं बिहाइंड बार्स करके, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था जेल के प्रिजन के ऊपर किताब लिखने के ऊपर, तो उन्होंने एक और किताब लिखी तिहाड़ के जेल पे। तो ये जो किताब है ये बेसिकली इसमें सारे एक्सपीरियंसेस हैं सुनील गुप्ता के, और इन्होंने जो 35 साल वहाँ नौकरी करी है उसके एक्सपीरियंसेस हैं। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी कि जेल में ऐसा होता है। लाइक रिसेंटली मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा था जो कि प्रिजन के ऊपर थी, और मैंने जो प्रिजन देखे थे वो बेसिकली जो फिल्मों में और आपको US के प्रिजन जो देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, पिक्चरों में एटलीस्ट देखने में लगता है काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, उस तरह के होते होंगे। और ऐसी स्टोरीज भी आप पढ़ते रहते हैं कई बार जो एकदम अपोजिट होती हैं, कॉन्ट्रेरी होती हैं इसके, कि जेल में लोगों को बहुत आराम करने को मिलता है, वहाँ AC भी लगा होता है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं, वो कभी भी आ जा सकते हैं। जैसे संजय दत्त का था, जब मन जाता था निकल जाता था, जब मन जाता था आ जाता था, वैसे ही बहुत सारे अपराधी हैं जो वहाँ पर जाते तो हैं जेल में पर उनका आना जाना लगा रहता है। तो ये किताब पढ़ के मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मुझे नहीं पता थी तिहाड़ जेल के बारे में। लाइक तिहाड़ जेल के बारे में मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी, अगर आप उस जेल में जाते तो आप जेल से निकल नहीं सकते। जो भी तिहाड़ जेल का बहुत ज़्यादा नाम है तो मुझे लगता था कि वो गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती है, पर ये किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा भी लगता था कि तिहाड़ जेल में जो जेलर वेलर काम करते हैं, जो IAS ऑफिसर्स बैठते हैं, वो बहुत ही हाई पोस्ट पे होते हैं, उनके पास बहुत ही पावर्स होती हैं, और वो प्रिजनर्स उन सबसे उनके डर के रहते होंगे, जो कि आपको एक आइडिया लगता है कि जो जेलर वेलर होते हैं उनसे सब अपराधी डर के रहते होंगे। जो इस किताब को पढ़ के पता चलता है कि ऐसा कुछ है नहीं, कि अपराधी इतना नहीं डरते हैं, वहाँ पे बैरक्स बनी हुई है। अगर कोई IPS ऑफिसर भी उस बैरक में अकेले चला जाता है तो चांसेस हैं कि प्रिजनर उसको काट दें, मार दें, या थप्पड़ अप्पड़ मार दें, या फिर चाकू ही मार दें, तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें ब्लैक वॉरेंट में बेसिकली इन्होंने बताया है वो इंसिडेंसेस जहाँ पे फांसी हुई है। तो तिहाड़ जेल में एक जगह है जिसे कहते हैं फांसी कोठी, और उस फांसी कोठी में उन प्रिजनर्स को रखा जाता है जिनको फांसी होने वाली होती है, वो आइसोलेशन में रहते हैं वहाँ पे। एंड इट्स ब्रूटल, मतलब कि आइसोलेशन में कोई आदमी नहीं रह सकता क्योंकि ह्यूमंस बेसिकली सोशल एनिमल हैं, उनको आइसोलेशन में रहना अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहली जो कहानी इन्होंने बताई थी वो रंगा बिल्ला की थी, जो कि मुझे पता थी वो कहानी, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी थी उतनी ज़्यादा, पर मुझे पता थी वो कहानी कि रंगा बिल्ला ने एक लड़का और लड़की को जो कि भाई बहन थे और बड़े नेवी ऑफिसर के बेटे थे, बच्चे थे, उनको उठाया था और कार में उठा के ले गए थे। और रंगा बिल्ला की भी एज ज़्यादा नहीं थी, 22-23 साल के लौंडे थे, और इनको क्राइम करने का पहले से शौक था, पहले भी इन्होंने क्राइम किया था। और इन बच्चों को इन्होंने बहुत ही बेदर्दी से बेरहमी से मारा था, लड़की के साथ बार बार सेक्स किया था और उसे चाकू से गोद दिया था, और इनकी लाश बहुत टाइम के बाद मिली थी। इन दोनों को फांसी की सज़ा हुई थी और इन्होंने बहुत अपील करने की कोशिश करी। तो इन्होंने अपना जेल का समय कैसे बिताया उस बारे में इन्होंने बताया है। और इसके अलावा इन्होंने मनु शर्मा जो का जो कांड हुआ था, जिसमें जैसिका लाल का कांड हुआ था, उसके बारे में बताया है कि कैसे विकास शर्मा और विशाल शर्मा जेल में थे और मनु शर्मा रहता था, और कैसे मनु शर्मा ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि लोगों के पास भारत में इतना पैसा है कि मनु शर्मा ने एक्चुअली तिहाड़ के बगल में अपना एक होटल खरीद लिया था और उस होटल से उसका खाना आता था। तो खाना जो आता है उसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इजाज़त दे देती है कि आप घर का खाना यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं उनको बेसिकली बहुत छूट मिलती है इन सब जेलों में, जो इसको पढ़ के पता चलता है कि कई बार वो तबीयत किसी घर में ख़राब हो गई तो उनको छुट्टी मिल जाती है कि वो जाके उनको देख सकते हैं। तो मनु शर्मा ने भी यही किया था कि वो जो भी तिहाड़ में खाना आता था जेलर्स का या फिर पुलिस वालों का, वो उस होटल से आता था। उस होटल में कुछ अगर किसी पुलिस वाले की शादी है तो उस होटल से होती थी। कई पुलिस वाले के रिश्तेदारों को उसने अपने होटल में लगवा लिया था, एज अ जॉब दे दी थी, तो वो सब भी उसके ऋणी थे, उसने एहसान कर दिया था उनके ऊपर, तो वो उसके खिलाफ़ नहीं जाते थे। तो ये सारी चीज़ें मेरे को इससे, मतलब इस किताब में इनके एक्सपीरियंसेस से पता चली हैं। पर एक चीज़ जो बड़ी डिस्टिंक्टली मुझे अजीब सी लगी, जो गड़बड़ लगी है, वो ये है कि जब मकबूल भट्ट आया या फिर अफजल शाह आया, जिसने अफजल शाह ने तो पार्लियामेंट पर अटैक किया था, अफजल गुरु ने पार्लियामेंट पर अटैक किया था, इनके बारे में इस जेलर ने बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। मतलब कि ये लोग बड़े अच्छे इंसान थे, मकबूल भट्ट की थॉट्स बड़े अच्छे थे, वो किताबें पढ़ता रहता था, अफजल गुरु भी किताबें पढ़ता रहता था, उनकी सोच बड़ी अच्छी थी और बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, कपड़े बड़े अच्छे से पहनते थे, बड़ी इज्जत करते थे लोगों की। मुझे समझ में नहीं आया, एक ऐसे क्रिमिनल जिन्होंने लाखों लोगों को मारा, मकबूल भट्ट ने एक पूरी फ्लाइट हाईजैक करवाई थी और
लाहौर में कहीं वो उसको निकाला था, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें उन्होंने कश्मीरी में लोगों को मरवाया है। इनको लेके एक सिंपैथी भी क्रिएट करने की कोशिश की है इस बुक में, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी तो जो स्टोरीज़ थी मैंने पढ़ी, मुझे सही लगी, पर ये तो जो स्टोरीज़ थी ये मुझे लगा ये थोड़ा सा लेफ्टिस्ट थिंकिंग है, या फिर क्या भी हो सकता है कि आप, क्योंकि जेल में मैं कभी गया नहीं हूँ, मैंने कभी देखी नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, पर जब कोई आदमी फांसी पे जा रहा होता है या मरने वाला होता है, यू जस्ट कांट थिंक बैड अबाउट दैट पर्सन बिकॉज यू नो ही इज गोइंग टू डाई। आप उसको अभी देख रहे हो, वो आपके सामने एक दिन मरने वाला है, और बड़ो अजीब सी थिंकिंग होती है। इसमें और भी इंटरेस्टिंग कहानी है चार्ल्स शोभराज के बारे में। चार्ल्स शोभराज के बारे में ये एक्चुअली चार्ल्स शोभराज और सुनील गुप्ता बहुत मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है कि चार्ल्स, ये सुनील गुप्ता बेसिकली लॉयर था और उसको जॉब चाहिए थी, तो इसको इससे अखबार में पढ़ा कि जेल में एक जॉब निकली है, तो उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। तो मुझे भी एक गलतफहमी थी कि इसके कुछ रेगुलर एग्ज़ाम्स होते होंगे, पर ऐसा कोई एग्ज़ाम होता नहीं है। तो ये डायरेक्टली वहाँ पे जेल पहुँचा, वहाँ पे इसने अपॉइंटमेंट इंटरव्यू दिया, उसका अपॉइंटमेंट हुआ, पर जो मेन बंदा था जो उसको जॉब देने वाला था उसने जॉब देने से मना कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि इसकी जो पर्सनैलिटी वो फिट नहीं है, जो कि बाद में उसको लगा कि सही बात थी। हालांकि उस वक्त उसको लगा कि वो शायद उसको बायसली फेवर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक गुप्ता है और वो हरियाणा का बंदा है और वो हरियाणा के लोगों को ही रखना चाहता है अपने तिहाड़ जेल के जॉब में, और चूंकि सुनील गुप्ता की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नहीं थी तो शायद प्रिजनर्स उससे नहीं डरेंगे, जो कि सही बात भी थी। तो ये बहुत डिमोटिवेट होकर बाहर बैठा हुआ था, गुस्से में भी था कि थोड़ा सा कि मतलब इतना सब कुछ क्वालिफाइड होने के बाद भी मुझे जॉब नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ एक 25 साल का आदमी पहुँचता है, लौंडा पहुँचता है, उसके बगल में बैठता है, पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है उसको। वो कहता है रुक जाओ मुझे अपना अपॉइंटमेंट लेटर दो, मैं तुम्हारी जॉब लगवाता हूँ। वो अंदर जाता है और बाहर निकल के कहता है जाओ तुम्हारी जॉब लग गई। बाद में मुझे पता चलता है कि वो आदमी जो था वो बेसिकली एक प्रिजनर था जिसका नाम था चार्ल्स शोभराज, और उसने उसकी जॉब लगवा दी थी। और चार्ल्स शोभराज जेल में जब मन आता था घूमता रहता था, उसके लिए सारी बहुत सारी सुविधाएं दी हुई थी, वो बहुत सारे प्रिजनर्स के मेमो लिखता था, बहुत ही लीगल डॉक्यूमेंट्स वहाँ से हेल्प करता था, वो जेलर्स की भी हेल्प करता था। तो सारे जो पुलिस वाले थे वो उसको फ्री हैंड दे रखा था कि वो जब चाहे अपनी जेल से घूमता फिरता रहता था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे सुब्रत रॉय सहारा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो जेल में गए थे लाखों करोड़ों रुपये का घोटाला करने के बाद वो जेल में गए थे। तो वहाँ पर जब आप इनकी किताब पढ़ते हो तो समझ में आता है कि सुब्रत रॉय सहारा ने बेसिकली कुछ भी जेल टर्म नहीं देखा है, वो वहाँ पर याची ही कर रहा था, वो दारू पी रहा था, वो DGP के ऑफिस में बैठा रहता था, वहाँ पे दारू पीता था, इंटरनेट भी करता था, सारे अच्छा अच्छा खाना आता था, मतलब ही इज़ फकिंग रिच, और जो पैसा उसने गरीब लोगों से उठाया था वो पैसा उनका रिटर्न नहीं कर रहा था, मतलब एक घटिया किस्म का आदमी है सुब्रत रॉय सहारा, वो इस किताब को पढ़ के पता चलता है। और भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बारे में पता चलता है कि अन्ना हजारे और केजरीवाल को जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया था, तिहाड़ में डाल दिया था, बिकॉज वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारे लगा रहे थे, तो उन्होंने जब उनको रिहा किया गया, गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट ने बोला कि इनको छोड़ना चाहिए, इनके ऊपर ऐसा कोई केस नहीं बनता है, तो उन्होंने जेल से निकलने से मना कर दिया जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम जो मैं दो आम आदमी नहीं देखता, वो ये है कि भाई जो प्रॉब्लम है वो कांग्रेस गवर्नमेंट के बीच में थी और अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के बीच में थी, इसमें जेल की अथॉरिटीज़ को प्रॉब्लम क्यों झेलनी पड़ती, क्योंकि जेल की अथॉरिटीज़ में लिमिटेड पुलिस वाले होते हैं और बाहर एक्चुअली केजरीवाल और अन्ना हजारे के सपोर्टर्स की भीड़ आके खड़ी हो जाती थी, तो उससे उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। तो सुनील गुप्ता जैसे कि ये लिखते हैं कि उन्होंने जाके केजरीवाल से बात करी कि प्लीज़ आप अपने सपोर्टर समझाइए और यहाँ से निकल जाइए, ताकि हमारे पास जेल में इतने लोग नहीं हैं कि हम इनको कंट्रोल कर सकें, पर केजरीवाल ने ये बहाना मारा कि मैं अन्ना जी जो बोलते हैं मैं वो करता हूँ, ये अन्ना जी का डिसीजन है कि हम यहाँ पर रुकें। तो पहली बार तो उसने मान लिया, पर 2-3 बार पूछने के बाद उसको पता चला कि अन्ना जी कोई भी डिसीजन अपने दम पर नहीं लेते हैं, वो सारे डिसीजन जो हैं वो केजरीवाल ही उनके बिहाफ पे लेता है और अन्ना केजरीवाल से पूछ के सारे काम करते हैं। तो बेसिकली अन्ना हजारे जो थे वो जानते थे कि एक शिक्षित आदमी उनके साथ है जो कि अरविंद केजरीवाल है, तो उससे पूछ पूछ के चीज़ें करते थे, जो कि एक्चुअली गलत चीज़ थी। अन्ना महात्मा गांधी तो थे नहीं, पर महात्मा गांधी भी कौन से बहुत बड़े महात्मा थे, उनके बारे में भी पता चलता है कि जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हो, जैसे एनडी एक किताब है नेहरूज़ 97 ब्लंडर्स, जो कि आपको अमेजन पे इजीली मिल जाएगी, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि महात्मा गांधी भी कैसे जवाहरलाल नेहरू की बातों से इंस्पायर होकर चीज़ें क्या करते थे और जवाहरलाल नेहरू को किस तरह से उन्होंने फेवर किया था, वरना जवाहरलाल नेहरू कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते, सरदार पटेल बनते, खैर वो अलग चीज़ है। तो ब्लैक वॉरंट मुझे लगता है कि अच्छी किताब है अगर आप फिल्म लाइन के लिए कुछ लिखना चाहते हैं, या आप कोई अपनी किताब लिखना चाहते हैं, या आप तिहाड़ के एक्सपीरियंसेस जानना चाहते हैं, या आप एक्चुअल कंडीशन जानना चाहते हैं कि इंडियन जेलों में क्या चलती है। लाइक एक तरफ वो गरीब लोग हैं जिनको सही पानी नसीब नहीं होता, अच्छा खाना नसीब नहीं होता है, अच्छा रहना नसीब नहीं होता, और एक कमरे में पड़े रहते हैं, छोटे छोटे बीमार छोटी छोटी काम किए होते हैं, किसी ने छोटी मोटी चोरी की होती है, किसी ने जेब काटी होती है, वो सालों साल उन जेलों में पड़े रहते हैं,
और एक तरफ होते हैं ये रिच लोग जो कभी भी आते हैं जाते हैं, जिनको बहुत जल्दी पेल भी मिल जाती है, जिनको बहुत जल्दी पेरोल पे भी रिलीज़ कर देते हैं, जिनको एक टाइम के बाद कोर्ट ही बोलती है कि आप कभी भी आ सकते हैं जा सकते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छा केस था विकास शर्मा का, तो उन्होंने बताया कि जैसे मनु शर्मा और विकास शर्मा जैसे कलाल हत्याकांड में अंदर आए थे, पर मनु शर्मा एक डिसेंट आदमी था जो कि डिसेंट तरीके से काम करता था, और उसने एक्चुअली जेल में कुछ अच्छे काम भी किए, जैसे कि टीजे करके एक ब्रांड है तिहाड़ जेल का, जिसमें कपड़े बनते हैं, खाने का सामान बनता है, सरसों का तेल बनता है, ये सब बनाते हैं कैदी और वो बाहर बेचा जाता है। वो जो बिज़नेस था वो बेसिकली इनका साल का 6 करोड़ का टर्नओवर था, जो मनु शर्मा ने आते ही 31 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। तो उसने काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स लेके आया जेल के अंदर। पर उसके अलावा विकास शर्मा जो था वो वहाँ पर से प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता था, लोगों को मारपीट करना, पुलिस वालों से मारपीट करना, लोगों से बदतमीजी करना, वो सारी चीज़ें करता रहता था। और एक इंस्टेंस उसने ऐसा बताया कि आपके होश उड़ जाएँ सुन के, कि विकास शर्मा जैसे अक्सर किसी कैदी को भागना होता है तो वो बहाना मारता है कि मेरी तबियत खराब है, मुझे हॉस्पिटल में जाना है। तो विकास शर्मा ने भी ये बहाना मारा है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी तबियत खराब है, तो उसको एम्स के हॉस्पिटल में डाला गया और वहाँ पे दिल्ली पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही थी। अब दिल्ली पुलिस बाहर खड़ी है और एक नर्स को उसको दवाई देने जाना है, तो नर्स कहती है कि मुझे अंदर जाना है दवाई देने, तो दिल्ली पुलिस उसको रोकती है कि अंदर आप नहीं जा सकते क्योंकि विकास शर्मा शोर है, पर नर्स नहीं मानती है और जबरदस्ती अंदर घुस जाती है। अंदर जाके उसे पता चलता है कि विकास शर्मा वहाँ पे है ही नहीं, वो तो अपने घर चला गया है दिवाली की छुट्टी मनाने के लिए, 3-4 दिन बाद ही आएगा। मतलब जेल से भागना उसके लिए कितना आसान था कि दिल्ली पुलिस के रहते हुए, मतलब सारे अमीर आदमी के लिए जो भी आसपास लोग हैं, जेल जाना भी एक वैकेशन की तरह है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे एसी भी लगा है, उनके पास फ़ोन भी है, उनको खाने को भी अच्छा मिला, उनका बिस्तर भी लगा हुआ, सब सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको इस किताब पढ़ के पता चलती हैं और आपका दिमाग एकदम हिल जाता है कि मतलब किस तरह से देश में करप्शन और इस तरह की चीज़ें वैलिड हैं, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों को। अब पता नहीं मोदी गवर्नमेंट आने के बाद कितना उसको सही किया है, पर आई डोंट थिंक इन जेलों में ज़्यादा कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज जो जेलर भी हैं उनके पास पावर नहीं है बहुत ज़्यादा। खैर ये सारी चीज़ें मुझे इस किताब से पता चलती हैं, जो कि खैर अच्छी रीड थी, मैंने एक दिन में इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये बुक रिव्यू अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट बुक रिव्यू के साथ। बाय बाय।